You are watching for the greater good. Hello guys, assalamu alaikum. Hope you guys are doing well. We are back to continue our series of tutorials regarding NumPy. आज की ये वीडियो NumPy tutorials का second part है, जिसमें हम अपनी Jupyter notebooks के part 2 को cover करेंगे. और अगर आप लोगों ने first part नहीं देखा है, so please do watch it. क्योंकि अगर आप NumPy के basics से familiar नहीं हैं, तो आगे इस library के functions आपको काफी confusing लगेंगे. The link of NumPy tutorial part 1 is given in the description. I also request you guys कि आप लोग इन notebooks को download करें और साथ साथ practice भी करें. Without further delay, let's move on to second part of our Jupyter notebook. Now let me open our Jupyter notebooks. As you guys can see, we have three parts. First part हमने अपनी last video में cover कर लिया था. Now it's the time for second part. Second part में हमारे पास first line of code same है, import numpy as npm numpy को import कर रहे हैं और एक small name दिया हुआ है np. Second हमारे पास है कुछ functions numpy के जो arrays के ऊपर apply किए जाते हैं. सबसे पहली लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है a इज इक्वल्स टू np डॉट जीरोज. np डॉट जीरोज हमारे पास ऐसा फंक्शन है numpy का जो हमें एरे देता है, एक एरे रिटर्न करता है फुल ऑफ जीरोज. जो भी हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स देंगे, आर्ग्यूमेंट्स में बेसिकली जा रही है एरे की शेप. 2,2 का मतलब है दो रॉज और दो कॉलम्स. तो np डॉट जीरोज वाला जो एरे होगा हमारा, सॉरी np डॉट जीरोज वाला जो एरे होगा हमारा, उसमें दो रॉज होंगी और दो कॉलम्स होंगे. और इसमें जो चार एलिमेंट्स होंगे वो चारों क्या होंगे, जीरोज होंगे. एज यू गाइज कैन सी हियर इज द आउटपुट. हमारे पास फोर एलिमेंट्स का एरे है 2x2 का, जिसमें चारों एलिमेंट्स क्या हैं, जीरोज हैं. नेक्स्ट हमारे पास एक और फंक्शन है सेम जीरोज के फंक्शन की तरह np डॉट वंस. सेम काम हो रहा है, वैसे ही आर्ग्यूमेंट्स में हम जो है वो शेप दे रहे हैं एरे की. बस np डॉट वंस जो है वो np डॉट जीरोज की तरह हमें आर्ग्यूमेंट्स, सॉरी आउटपुट में क्या रिटर्न कर देगा, हमारा वंस का एरे रिटर्न कर देगा. इसे एग्जीक्यूट करें तो देखें 2x2 की हमने शेप दी है, दो रॉज दो कॉलम्स. बस फंक्शन का नेम वंस है तो आउटपुट में भी हमारे पास सारे एलिमेंट्स क्या हैं, वंस हैं. नेक्स्ट है हमारे पास np डॉट फुल का फंक्शन. np डॉट फुल का फंक्शन हमें अपने एरे के अंदर कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट फिल करने के लिए अलाउ करता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने np डॉट फुल के आर्ग्यूमेंट्स दो होते हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक ये आर्ग्यूमेंट है और फिर एक ये आर्ग्यूमेंट है. 2,2 सेम हमारे पास वही है कि शेप दे रहे हैं हम दो रॉज और दो कॉलम्स. और यहाँ जो 7 आर्ग्यूमेंट है ये बेसिकली हमारे एरे का एलिमेंट है. इस कोड को एग्जीक्यूट करें तो हम देख सकते हैं कि एरे हमारे पास 2x2 का आया है, लेकिन हमने जो आर्ग्यूमेंट्स अपने सेकंड आर्ग्यूमेंट में वैल्यू दी थी हमारे एरे में, वो फिल हुई भी है. अगर 7 की जगह यहाँ 3 होता तो हमारे एरे में क्या आता, 3 आता. लेट मी चेक इट, 3 शिफ्ट एंटर. अब हम देख सकते हैं कि हमारे एरे में क्या फिल हुआ है, 3, क्योंकि हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स में 3 भेजा है. नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें ये बताता है, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ये होता है कि इसके डायगनल्स की एंट्रीज जितनी भी होती हैं वो सारी 1 होती हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं. np डॉट i फंक्शन है इसे गेट करने के लिए. np डॉट i हम फंक्शन लिखते हैं. आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास जाते हैं एरे का साइज. एरे का साइज अब यहाँ पर सिर्फ एक इसलिए है, 2x2 या 2,2 इसलिए नहीं है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैट्रिक्स है तो उसके अंदर स्क्वायर शेप ही होगी, टेबल फॉर्म में ही होगा. टू आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है कि 2x2, 3 का मतलब है 3x3 और 4 का मतलब है 4x4. अब इसे प्रिंट करते हैं तो है तो हमारे पास एरे 2x2 का, इसकी डायगनल एंट्रीज जो हैं ये 1, 1 है और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं. लेट मी चेक इट, हम यहाँ पर 5 पुट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स में. एज यू गाइज कैन सी हमारे पास अब एरे जो है वो 5x5 का है और इसकी डायगनल एंट्रीज 1 है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास यही होता है कि एरे होता है, सॉरी मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर डायगनल एंट्रीज 1 होती हैं और बाकी सारी एंट्रीज
जीरो होती हैं, डायगोनल एंट्रीज कहते हैं ऐसे क्रॉस को। रैंडम का फंक्शन हमें अपने एरे के अंदर रैंडम एलिमेंट्स पुट करने की अवेलेबिलिटी देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई भी एरे बनाया है 3x3 का या 4x4 का, तो उसके अंदर हम रैंडम एलिमेंट्स मतलब कोई से भी नंबर जो है वो पुट कर दिए जाएंगे। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। एन पी डॉट रैंडम, एन पी हमारी लाइब्रेरी, रैंडम इस लाइब्रेरी का मॉड्यूल, और रैंड इंट ये फंक्शन नेम है। एन पी हमारी लाइब्रेरी का नाम है, फिर उसके अंदर रैंडम एक मॉड्यूल है लाइब्रेरी का, और फिर रैंड इंट इस मॉड्यूल का फंक्शन है। इसके अंदर तीन आर्ग्यूमेंट्स जा रहे हैं, 5, 10, साइज। अच्छा, साइज हमारे पास एरे की शेप है, सेम 2x2, 3x3 और 4x4। 5 स्टार्टिंग पॉइंट है और 10 एंडिंग पॉइंट है हमारे रैंडम नंबर्स का। रैंडम नंबर्स हमारे पास 5 से लेकर 10 तक की रेंज के बीच में जनरेट किए जाएंगे। हमने इसे एग्जीक्यूट किया, हमारे पास आउटपुट आया 5, 8, 8। 2x2 का मैट्रिक्स है और रैंडम नंबर्स जो जनरेट हुए हैं वो 5 to 10 हुए हैं। इसे बार बार एग्जीक्यूट करते रहेंगे तो हमारे पास नंबर्स यहाँ पर चेंज आएंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम एग्जीक्यूशन पे जो है वो सेम रैंडम नंबर्स जनरेट हों। रैंडम इन्हें कहा ही इसलिए जा रहा है क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एरे की रीशेपिंग। तो रीशेपिंग का मतलब ये है कि हम किसी भी एरे के शेप को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। हमने सिंपल एक एरे क्रिएट किया है, एनपी डॉट अरेंज से 16 एलिमेंट्स का, उस एरे को प्रिंट किया है और उसकी शेप प्रिंट किया है। एज यू गैस कैन सी 0 to 15 हमारे पास एलिमेंट्स हैं और शेप में क्या है 16। अब इस एरे को रीशेप करते हैं। रीशेप करने के लिए हम रीशेप का फंक्शन कॉल करते हैं। ये फंक्शन नंपाई लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड कर रही है, और रीशेप के आर्ग्यूमेंट्स में हमने क्या दिया है, वो शेप दिया है जिसमें हमने एरे को रीशेप करना है। तो देख सकते हैं आप लोग, इससे दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एरे हमारे पास सेम है 0 to 15, लेकिन फर्क क्या है, इसका शेप चेंज हो गया है। पहले ये था एक लीनियर एरे, अब बन चुका है 2D एरे। 2D एरे उसी आर्ग्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जो हमने इसमें दिए थे, 4x4, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। और फिर हमने इसका शेप प्रिंट किया है, तो शेप भी हमारे पास क्या आ रहा है, 4x4। नेक्स्ट हमारे पास रीशेपिंग का एक और मेथड है। रीशेपिंग के लिए ये लाजमी है कि जितने एलिमेंट्स का एरे है वो उसी हिसाब से रीशेप किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता ही नहीं है कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, या बस एक इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि भाई एरे में जो है वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी एक नंबर का मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल, एरे में 20 एलिमेंट्स हैं जो 4 का मल्टीपल हैं या 5 का मल्टीपल हैं। तो ये जो रीशेप के आर्ग्यूमेंट्स हैं 4, -1, ये उस सूरत में यूज़ किए जाते हैं जब आपको फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता होते। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं हम इस रीशेप के इन आर्ग्यूमेंट्स के जरिए। 4, -1 अपने नम्स के 16 एलिमेंट्स के एरे को ही रीशेप कर रहे हैं। आउटपुट हमारे पास सेम आया, रीशेप विद -1, 0 to 15 एलिमेंट्स हैं, 4x4 में ये ऑटोमेटिकली जो है वो कन्वर्ट हो चुका है और इसका शेप भी आ रहा है 4x4। अब एक चेंज करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ 16 के बजाय 20 एलिमेंट्स लेता हूँ एक एरे के अंदर। इसे एग्जीक्यूट किया, हमारे पास 20 का शेप आ गया। और अब इस कोड को एग्जीक्यूट करें तो हमें सबसे पहले उसने क्या दिया है, एरर दिया है, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 20 into शेप 4x4। क्यों? क्योंकि 4 into 4 16 होता है और एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 20 हैं। लेकिन अब हम इस नम्स एरे को 4, -1 से अगर रीशेप करके देखें तो इसने कोई एरर नहीं दिया, बल्कि 4 into 5 इसके रीशेप कर दिया है। 4 into 5 के एक एरे में इसे रीशेप कर दिया है। क्यों? 20 जो है वो 4 का मल्टीपल है और हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में दे दिया है कि भाई 4 का मल्टीपल है हमारा एरे का साइज, अब आप उसे उस हिसाब से रीशेप कर दो। तो उसने रीशेप क्या किया है, 4 रोज बना दी और फिर जितने एलिमेंट्स थे उन्हें कॉलम वाइज जो है वो रीशेप किया है। नेक्स्ट हमारे पास है नम्स डॉट मिन। मिन का एक फंक्शन है जो मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है हमारे एरे में से। एन पी डॉट अरेंज से हमने 8 एलिमेंट्स का एक
एरे क्रिएट किया है और उसके बाद प्रिंट करवा रहे हैं हम नम्स डॉट मिन। मिन क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है जो मिनिमम रिटर्न करता है, या फिर हम एक फंक्शन है मिन जिसके अंदर हम नम्स आर्ग्यूमेंट दें तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अच्छा, ये जो मिन का फंक्शन है ये है एरे टाइप का एट्रीब्यूट, और ये जो मिन का फंक्शन है ये है नम पाई का फंक्शन। एरे टाइप के एट्रीब्यूट और नम पाई के फंक्शन में ये लाजमी है कि एरे टाइप के एट्रीब्यूट में आप उसे एरे डॉट करके रिफ़र करें, और नम पाई के फंक्शन के लिए लाजमी है कि आप एन पी डॉट करके उसे रेफ़र करें। इसे एग्जीक्यूट करके देखें तो हमारे पास दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एन पी डॉट अरेंज ने जो है वो 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स जो हैं वो इस नम्स के एरे में स्टोर किए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैटन वर्सेस रेवल। फ्लैटन और रेवल बेसिकली हमारे पास यूज़ होते हैं किसी भी 2D एरे को लीनियर एरे में कन्वर्ट करने के लिए। हमारा एरे बना हुआ है एक बी का, इसे हम प्रिंट कर रहे हैं, देखते हैं इस एरे में फ्लैटन और रेवल कैसे काम करते हैं। अच्छा, तो ये एरे 2x2 का है जिसके अंदर 3 जो है वो एलिमेंट फिलअप हुआ हुआ है। बी डॉट फ्लैटन का हमने फंक्शन कॉल किया है तो इसने एरे 3 3 3 3 3 इसे 2x2 के एरे को एक लीनियर एरे में कन्वर्ट कर दिया, और फिर रिवल से हम इसे फ्लैटन कर रहे हैं, मतलब दोनों का फंक्शन जो है वो एक ही है, दोनों काम एक ही कर रहे हैं। डिफरेंस इनमें क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। रिवल ने भी और फ्लैटन ने भी, इन दोनों फंक्शंस ने जो है वो 2x2 के एरे को लीनियर एरे में कन्वर्ट कर दिया है। डिफरेंस इन दोनों में क्या है, डिफरेंस इनमें ये है कि फ्लैटन जो है वो आपके ओरिजिनल एरे की एक कॉपी अपने पास सेव रखता है, और रेवल जो है वो डायरेक्टली ओरिजिनल एरे को रेफर करता है। अब इसे समझने के लिए अगर हम देखें तो फ्लैटन के एरे को और रेवल के एरे को चेंजेस क्रिएट करके हमें देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं फ्लैटन के एक एरे को सेव कर रहा हूँ, ARR इज इक्वल्स टू फ्लैटन। हमने क्या किया है कि हमने बी डॉट फ्लैटन ने जो हमें एरे रिटर्न किया है उसे हमने ARR वेरिएबल में सेव किया है, फिर उस ARR वाले एरे को हम प्रिंट करवा रहे हैं, उसमें चेंजेस क्रिएट कर रहे हैं और फिर अपने ओरिजिनल एरे को प्रिंट करवा रहे हैं। डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, हमारा ओरिजिनल एरे सेम मौजूद है। अब अगर मैं इसी के साथ साथ अपने ARR वाले को प्रिंट करवाऊँ तो उसमें चेंजेस होंगे। एज यू गैस कैन सी के इस एरे में चेंजेस हैं, इस एरे में चेंजेस नहीं है, मीन्स कि हमारी कॉपी में चेंजेस हुए हैं जो फ्लैटन के फंक्शन ने क्रिएट की थी, ओरिजिनल एरे में चेंजेस नहीं हुए। यही काम अगर हम अपने रेवल के साथ करें अब हमने एक न्यू वेरिएबल लिया ARR1 और बी डॉट रेवल ने जो हमें एरे रिटर्न किया था वो हमने इसमें सेव किया है, ARR1 को प्रिंट करवाया है, ARR1 में चेंजेस किए हैं और बी को प्रिंट करवाया है। आप देख सकते हैं कि ARR1 में तो चेंजेस नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने ARR1 में चेंजेस अकर किए, चेंजेस क्रिएट किए, वैसे ही हमारे बी एरे में जो हमारा ओरिजिनल एरे था उसमें भी चेंजेस क्रिएट हो चुके हैं। ये मेन डिफरेंस है हमारे फ्लैटन और रेवल के अंदर। अगर आपको ओरिजिनल एरे मॉडिफाई करना है तो आप जो है वो रेवल यूज़ करें, और अगर आपको ओरिजिनल एरे सेव्ड रखना है, सिर्फ एक कॉपी में मॉडिफिकेशंस या रिव्यू चाहिए, तो आप फ्लैटन का फंक्शन यूज। नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं जो हम एरे के ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ हमने दो एरे क्रिएट किए हैं, x एंड y 2x2 के, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 और y के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। दोनों की डेटा टाइप हमने क्या रखी है, फ्लोट 64। इसे एग्जीक्यूट करें ताकि आगे के प्रोग्राम्स जो हैं वो चल सकें। अच्छा,
प्रिंट एक्स प्लस वाई और प्रिंट एन पी डॉट एड, इनमें एडिशन अप्लाई की है एक्स प्लस वाई सिंपल प्लस ऑपरेटर से या नंपाई के फंक्शन एड से, तो दोनों ही हमारे पास सेम काम करेंगे। एज यू गैस कैन सी कि हमने दोनों एरेज को जो है वो ऐड किया है, 1 + 5 = 6, 2 + 6 = 4 और सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, सेम सब्ट्रैक्ट का मेथड और सब्ट्रैक्ट का ऑपरेटर यूज़ किया है, तो यहाँ हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो चुकी है। फिर मल्टीप्लीकेशन हो रही है। अच्छा, यहाँ पॉइंट नोट करने का ये है कि यहाँ एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन हुई है, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट नहीं है। ये मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट के लिए हमें डॉट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, वो आगे की चीज़ है। अभी यहाँ पर सिर्फ जो है वो एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन है, डिवीजन में भी सेम चीज़ें हैं, डिवाइड का ऑपरेटर है या डिवाइड का फंक्शन है, दोनों सेम ही काम। नेक्स्ट नंपाई के कुछ फंक्शंस हैं जो हम देखेंगे। एक हमने एरे क्रिएट किया है 2D एरे क्रिएट किया है नंपाई का। np.sum हमारे पास एक फंक्शन है जो हमें एरे के ऑल एलिमेंट्स का सम रिटर्न करता है। np.sum के दो आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनमें आपको कॉलम वाइज और रो वाइज भी सम यानी एडिशन होके मिल सकता है एलिमेंट्स। अच्छा, पहले सम ने जिसमें हमने सिर्फ सिंगल आर्ग्यूमेंट दिया था x, उसने हमें 21 रिटर्न कर दिया है इन 6 के 6 एलिमेंट्स को एड अप करके। फिर यहाँ np.sum x, x is 0 का मतलब है कि हर रो वाइज इसने हमें क्या दिया है, एडिशन करके वैल्यू रिटर्न की है। रो वाइज एडिशन करें तो 1 + 4 = 5, 2 + 5 = 7, 3 + 6 = 9। अच्छा, यहाँ पर ये रॉ कंसीडर की जा रही है और ये एक कॉलम कंसीडर किया जा रहा है। np.sum एक्सिस 1 हमने जो है वो कॉलम्स को कंप्यूट किया है, तो 1, 2, 3 प्लस करेंगे तो 6 और 4, 5, 6 प्लस करेंगे तो 15। ये हमारे पास सम एरे सम का फंक्शन है और उसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स की फ्लक्चुएशन है। np.max का फंक्शन जो है हमें वो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है एरे के अंदर। एक्सेस यहाँ पर जो भी देंगे, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक्सेस 0 दिया है तो वो हर रॉ में से एक मैक्सिमम वैल्यू गेट करके हमें दे देगा, और अगर एक्सेस हम 1 दे रहे हैं तो हमें वो सॉरी एक्सेस 0 देंगे तो हमें हर कॉलम में से वैल्यू गेट करके दे देगा। अच्छा, एक्सेस 1 है तो यहाँ इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम वैल्यू 3 है तो इसने 3 रिटर्न कर दिया, और इसमें 6 है तो इसने 6 रिटर्न कर दिया। argmax का हमारा नेक्स्ट फंक्शन है, ये फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स रिटर्न करता है। जैसे मैक्स हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये उस वैल्यू का सॉरी argmax उस वैल्यू का इंडेक्स रिटर्न कर देगा। हमने argmax x एरे पे अप्लाई किया है और एक्सेस 0 पे अप्लाई किया है, मतलब फर्स्ट रॉ सेकेंड रॉ और थर्ड रॉ। फर्स्ट रॉ में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 4 है और इसका इंडेक्स 1 है, 0 and 1। फिर इसमें मैक्सिमम वैल्यू 7 है जो 0th इंडेक्स पर है, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू 6 है जो फर्स्ट इंडेक्स पर है, तो इसने 101 हमें रिटर्न कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास वही है, सम ऑफ रॉ सम ऑफ कॉलम, जैसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एरे था हमारा 1, 2, 3, 4, सम ऑफ रॉज 4 और 6 आया है 1 + 3 = 4 and 2 + 4 = 6। सम ऑफ कॉलम्स आया है 1 + 2 = 3 और 3 + 4 = 7। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सिर्फ सम के फंक्शन में हमने जब एक सिंगल आर्ग्यूमेंट दिया तो हमें ऑल एलिमेंट्स का सम मिला है जो कि 10 है। नेक्स्ट मेन चीज़ हमारी है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग कहते हैं एरे के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने को या उसे ओरिजिनल एरे से अलग करने को, सेपरेट करने को। स्लाइसिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पर हमने एक एरे प्रिंट किया है और फिर उसे स्लाइस किया है। एरे है हमारे पास 12, 3, 3, 3, 2x2 का एरे है जिसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं और फिर हमने इसे स्लाइस किया है। स्लाइसिंग का तरीका क्या होता है कि आप एरे के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले रॉ नंबर्स देते हैं और फिर कॉलम नंबर्स देते हैं, सॉरी रॉ इंडेक्स देते हैं और फिर कॉलम इंडेक्स देते हैं। रॉ इंडेक्स की प्लेस पर हमने 0:1
टू लिखा है। कॉलन का मतलब ये है कि आपको जब एक स्पेसिफिक रेंज देनी हो तब आप कॉलन यूज़ करते हो, और अगर आपको सिंगल रॉ या सिंगल कॉलम यूज़ करना है तो आप सिर्फ सिंगल इंडेक्स देते हैं। यहाँ पर ज़ीरो कॉलन टू का मतलब है कि ज़ीरोथ रॉ और फर्स्ट रॉ सिलेक्ट होगी, और यहाँ ज़ीरो का मतलब है कि सिर्फ ज़ीरोथ कॉलम सिलेक्ट होगा। ज़ीरो रॉ हमारे पास ये है और फर्स्ट रॉ हमारे पास ये है, इसका मतलब है कि ये दोनों रॉ सिलेक्ट होंगी। टू यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इस रेंज में ये सेकेंड नंबर जो है ये एक्सक्लूड हो जाता है, सिर्फ ज़ीरो और वन सिलेक्ट होगा, तो हमारे पास ये रॉ ज़ीरो और ये रॉ टू, और इनका ज़ीरोथ कॉलम, ज़ीरोथ कॉलम मतलब ये वाला कॉलम, सॉरी ये वाला कॉलम 12 और 3 सिलेक्ट होंगे जो कि हमारे पास आउटपुट में मौजूद है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इसी तरीके से हमने यहाँ सिर्फ कॉलम पुट किया है, एरे प्रिंट किया है और फिर इसे स्लाइस किया है, और इसकी फर्स्ट प्लेस पर रॉस की प्लेस पर सिर्फ कॉलम पुट किया है। जब हमें किसी भी एरे की सारी रॉस चाहिए होंगी तब हम सिर्फ और सिर्फ कॉलम लगाएंगे। फिर कॉमा के बाद हमने दिया है वन कॉलन टू, वन कॉलन टू का मतलब है कि सिर्फ फर्स्ट रॉ सेलेक्ट होगी क्योंकि ये सेकंड पार्ट टू जो है ये एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी रॉज वन, रॉ वन और रॉ टू दोनों सेलेक्ट हुई हैं और उनका सिर्फ फर्स्ट कॉलम यानी ये वाला कॉलम टू और फोर हमारे पास सेलेक्ट होकर आउटपुट में आया है। नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्सिंग एन एक्सेस। रिवर्सिंग एन एक्सेस का मतलब ये है कि आप किसी भी एक एक्सेस यानी रॉ या कॉलम को रिवर्स कर सकते हो यूजिंग इंडेक्सिंग। अच्छा, अब कैसे, हमारे पास एक एरे क्रिएट किया हुआ है, हमने 3 by 4 का एक एरे क्रिएट किया हुआ है, अब उसे रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्सिंग का तरीका ये है कि ये आपका आ गया एरे का नेम और फिर इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हम रॉ नंबर देते हैं और फिर यहाँ रिवर्सिंग अप्लाई करते हैं। रॉ नंबर हमने दिया है 0, मतलब ये वाली रॉ हमारे पास, और रिवर्सिंग का तरीका ये है कॉलन कॉलन माइनस वन, कॉलन कॉलन हम लगाते हैं और फिर माइनस वन जो है वो हमें इस रॉ को रिवर्स करके देता है। आप देख सकते हैं कि हमारी रॉ थी 1 2 3 4 और हमें रिवर्स होकर क्या रॉ मिली है 4 3 2 1। इस माइनस वन की इम्पोर्टेंस इतनी है कि अगर मैं सिर्फ ये वन के पास से माइनस हटा दूं और फिर इसे एग्जीक्यूट करूं तो हमारी रॉ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो एज इट इज़ रॉ प्रिंट हो गई है। रिवर्सिंग अप्लाई हो ही इस माइनस के थ्रू रही है, हमारी रॉ रिवर्स हो चुकी है। यहाँ पर एंड होता है हमारा NumPy ट्यूटोरियल्स का पार्ट टू, हमारी जुपिटर नोटबुक्स का पार्ट टू यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। पार्ट थ्री जो है उसके लिए नेक्स्ट मोर वीडियो अपलोड की जाएंगी। अगर किसी को कोई बात समझ में ना आई हो या किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हमने एरे के रिलेटेड फंक्शंस देखे, एरे की रिवर्सिंग देखी, रीशेपिंग देखी, इन सब में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल बी अवेलेबल फॉर यू 24/7। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।